सामने के नेता है सबके चेहरे फ्यूज है। इनके देश के प्रधानमंत्री का भाजपा का विकास और इनके मित्र अडानी अम्बानी का विकास। भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी किसी गांव में नहीं गया, हमारा गांव में नहीं गया, ये बात सत्य। यहां पर एक मेडिकल कॉलेज भी स्थापित हो चुका है, उसका भी कारोबार बिल्कुल चल रहा है और ट्रॉमा सेंटर भी यहां पे एक आ गया है, वो सब भाजपा की देन है। केवल कार्रवाई उन पे होती है जो देश में लोकतंत्र पर काम करना चाहते हैं। तीन बार से इनको सांसद क्यों बदलना पड़ रहा है बार बार, मुझे उसका जवाब दें। अगर फांसी देने का काम किया है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आज तक पुलवामा घटना का पर्दाफाश क्यों नहीं हुआ? सबसे ज्यादा अगर एयर स्ट्राइक करके भारत का सम्मान बनाया तो आदरणीय मोदी जी ने बनाया। जब इनकी सरकार खतरे में होती है तब इनको धर्म दिखाई देता है, तब हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज अगर कोई काम या शहर शहर में दिख रहा है तो आदरणीय मोदी जी द्वारा दिख रहा है। दो हजार चौबीस का लोकसभा चुनाव इस समय चरम पर है और इस चुनाव को कवर करने के लिए TV24 की टीम इस समय हाथरस में उपस्थित है। दूसरे चरण का चुनाव कल होने वाला है और तीसरे चरण का चुनाव हाथरस में तीसरे चरण के चुनाव में होगा। यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान जो अपना परिचय देंगे, मैं इनका सबसे स्वागत करता हूं। धन्यवाद प्रका बंधुओं, मैं डॉक्टर जयवीर सिंह धनगर राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्याशी हूँ, PDM मोर्चा जो तीसरा मोर्चा बनाया है उसका प्रत्याशी हूँ लोकसभा हाथरस से। डॉक्टर जयवीर सिंह धनगर मेरा नाम है, सुखाबाद का मैं रहने वाला हूँ, मेरा चुनाव निशान क्लिक है। नमस्कार, मैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कांग्रेस जिला अध्यक्ष। कृष्ण मुरारी वासने शहर महामंत्री BJP। मैं बंसी पंडित आपका स्वागत करता हूँ आपकी टीम का, मैं बंसी पंडित भाजपा से उपाध्यक्ष। हमारे साथ जनता आ चुकी है, हाथरस की जनता इस समय बैठी हुई है, देखना चाह रही है कि हमारा सांसद कौन, हमारा सांसद कैसा होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मैं पूछता हूं, हमारे साथ डॉक्टर जयवीर धनकर जी है राष्ट्रीय उदय पार्टी से, आपको अगर सांसद बनाया जाए तो आप क्या करेंगे? धन्यवाद पत्रकार बंधुओं, और मेरी जनता आई हुई जनता को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं इस हाथरस लोकसभा में देख रहा हूं, जहां जहां जाता हूं तथा सड़कें बहुत खराब हैं। उसके बाद यहाँ की एक सादाबाद में अगर मेरे हिसाब से तो एक फैक्ट्री लगनी चाहिए, आलू की फैक्ट्री लग जाए, चिप्स बनाने की फैक्ट्री लग जाए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और विकास की बात करेंगे हम लोग, और पानी की व्यवस्था कुछ अव्यवस्था फैल रही है इधर उधर, और सड़कें बहुत ज़्यादा खराब हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार की कमी है। राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय समानता मानवता के आधार पर हम लोग यहाँ पर शासन करेंगे, अगर हमारी सरकार आती है तो ये शासन लागू होगा। आपकी पार्टी को इंडी गठबंधन से बाहर निकाल दिया गया, आपको इंडी गठबंधन ने लिया नहीं, आपको सीट नहीं दी, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारी कोई बातचीत नहीं हुई किसी इंडिया गठबंधन से, जिससे बात हुई है वो PDM मोर्चा बन चुका है हमारा। हमारे साथ इस समय कांग्रेस की तरफ से जिलाध्यक्ष जी हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि इस समय नरेंद्र मोदी जी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी मंगलसूत्र छीनने का काम करेगी अगर वो सरकार में आती है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो देश का इतिहास, देश की आजादी से लेकर आज तक जो कुछ दिया है वो कांग्रेस ने दिया है, और वो लोग ये कहते हैं कि उन्हें देश का प्रधानमंत्री ऐसे शब्द बोले तो बड़ा अचंभा होता है। आज देश में प्रधानमंत्री की गरिमा को खोने का काम यदि किसी ने किया है तो वर्तमान देश के प्रधानमंत्री ने किया है, और इस देश में और कांग्रेस वो पार्टी है कि इस देश की आजादी से लेकर आज तक इस भारत की माटी में कहीं रक्त मिला है तो वो कांग्रेस के नेताओं का मिला है। इस देश के लिए कोई शहीद हुआ है तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हुए हैं, और वो देश के प्रधानमंत्री जब देश में आपदा आई थी तो देश की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी अपने जेवर गिरवी रख रही थी और इस देश के लिए समर्पित कर रही थी सेना के लिए। उस समय इस देश के प्रधानमंत्री अपनी महिला को छोड़कर भी भाग गए थे, वो आज ऐसी बात करते हैं, अफसोस होता है। और कांग्रेस जहां तक आज वर्तमान में बहुत मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, और राहुल जी और अखिलेश जी के जो घोषणा पत्र है उससे जनता प्रभावित है। आज हर वर्ग परेशान है, पुरानी पेंशन हम बहाल करने जा रहे हैं, किसानों के लिए सुविधाएं देने जा रहे हैं। इसका जवाब लेते हैं हम भारतीय जनता पार्टी से। आज सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो साख है, आज इन्होंने जो साख बनाई है अपने देश की, पूरे विदेशों में भी इसका जलवा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो हमेशा से आरोप लगाने का रहा है तो हमेशा आरोप लगाते ही रहते हैं, लेकिन जनता सब जानती है कि देश का सबका साथ सबका विश्वास किसने जीता है? आदरणीय मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनने फिर जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं जनता से पूछता हूँ कि दोनों तीनों लोगों का आपने एक बयान सुना, तो मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि वो हाथरस की जनता कैसा सांसद चाहती है? धन्यवाद पत्रकार महोदय, हाथरस की जनता बखूबी जानती है
कि अभी दो दिन पहले जिस सांसद महोदय का निधन हुआ है वो 5 साल में पूरे शहर में 50 आर भी नजर नहीं आए। अगर ये जनता इस बात का समर्थन करती है और या मेरा जो करती है, तालियां बजा करके सहयोग करे, क्या आपने 50 बार सांसद को देखा हाथरस में? 50 बार देखा 5 साल में? तो आप बताइए पत्रकार महोदय, जिस सांसद को चुनने के बाद जनता ने अपने गली मोहल्ले में 50 बार भी नहीं देखा और वो अपना 5 साल का कार्यकाल भी पूरे नहीं कर पाए, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता देंगे कि क्या सांसद जी इस क्षेत्र में बिल्कुल आते ही नहीं थे? सांसद जी बराबर क्षेत्र में आते रहे, अब इनकी आंखों से न दिख गए तो इसका तो कोई जवाब है नहीं है। सांसद बरकरार हर वक्त आए हैं और सांसद हर बार घूमे हैं और हर योजना में सम्मिलित रहे हैं, हर जगह सम्मिलित रहे हैं। और मैं बता दूं, मेरे भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कह रहे थे कि जेवर बेचा, अरे इन्होंने तो जयपुर का खजाना खाली कर दिया और आज वो स्विस बैंक में है पूरा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, और आज आप देखिए जितने भी इनका इंडिया गठबंधन के नेता हैं सबके चेहरे फ्यूज हैं। अगर ये जीतते तो ये बता के दिखाएं, इनके चेहरे ऐसे हैं जैसे मुर्दा नीच आ गई है। और मैं बता रहा हूँ चार से बाहर जा रहा है कोई। ये वो लोग हैं जनता के व्यक्ति कह रहे हैं, इनको ये कह रहे हैं जनता को दिखे ही नहीं तो इनकी गलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये इनको चिंता है, इनको चिंता जनता की नहीं है। इनका इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, हाँ वास्तविकता है इनका, इनके देश के प्रधानमंत्री का, भाजपा का विकास और इनके मित्र अडानी अंबानी का विकास, केवल इनकी यही सोच है, इनको कोई जनता से सरोकार। हमारी जो सोच है वो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। आज विक्रमादित्य जी पूरा विश्व का नमन कर रहा है मोदी जी को, और यही कारण है कि मोदी जी यूक्रेन और उसका युद्ध चला तो तिरंगा झंडा लेके निकल के आए, और पाकिस्तान भी निकला है, अपने उनके भी छात्र निकले। और मैं बताना चाहता हूँ, याद कर लो कि आज पाकिस्तान में मोदी मोदी हो रहा है, आज कठुआ लेके घूम रहे पूरा विश्व नतमस्तक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तुमने उनका नाम चुरा लिया, आज बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूरा विश्व बाबा साहब को नमन करता है। अरे बाबा साहब को मानिए, बाबा साहब को पूछिए, आज आप ये कहते हैं आज बाबा साहब के बनाए संविधान को खंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राष्ट्रीय उदय पार्टी से मैं, ये तो बात सत्य है, मैं दिसंबर से इस क्षेत्र लोकसभा में घूम रहा हूँ। मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, प्रभारी हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश का, और दिसंबर से घुमाऊँ, गांव-गांव घुमाऊँ और गली गली खरंजे खरंजे घुमाऊँ। मेरा काम जमीनी स्तर पर, जैसे मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ जहाँ मुलायम सिंह रहते थे, वो घर और मेरा घर उनके पास पास में ही है, 500 मीटर का फर्क है बस, उस जमीनी स्तर पर काम करने वाला हूँ। ये तो सत्य है, यहाँ के सांसद बेचारे वो चले गए, मैं उनके बारे में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी किसी गांव में नहीं गया, सांसद तुम्हारा गांव में नहीं गया, ये बात सत्य है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने विकास किया है हाथरस में? हाथरस ही क्यों अछूता है, मैं ये ताज्जुब समझता हूँ। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, विकास की बात आप कर रहे हैं, जितने भाजपा के लोग यहाँ हैं और जितनी जनता है, आज देखिए जनता को क्या चाहिए, चिकित्सा शिक्षा, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज चिकित्सा के नाम पर इतने लंबे समय से भाजपा का सांसद रहा है, ये बताएं कि आज चिकित्सा के नाम पर हाथरस में क्या दिया? शिक्षा के नाम पे वो ही भारतीय जनता पार्टी का इनके सांसद, इनके जनप्रतिनिधि बता दें कि शिक्षा के नाम पर क्या दिया? आज हाथरस में जो बागला हॉस्पिटल वो कांग्रेस की देन है, और आज उसकी स्थिति ऐसी दयनीय है कि वहां रेफर सेंटर के अलावा बागला हॉस्पिटल का नाम नहीं है। शिक्षा के नाम पर यदि आज बच्चे ग्रेजुएशन के बाद यदि उन्हें कोई उच्च शिक्षा चाहिए तो हाथरस को जनपद बने इतने वर्ष हो गए, ढिंडोरा पीटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तीन दशक से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, तो क्या यहाँ पे हाथरस में विकास हुआ? बहुत आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग। मैं अपने मित्र को जानकारी में दे दूं, मेरे मित्र को जानकारी भी होगी कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज भी स्थापित हो चुका है, उसका भी कारोबार बिल्कुल चल रहा है, और ट्रॉमा सेंटर भी यहाँ पे एक आ गया है, और अधिक से अधिक यहाँ आईटीआई कॉलेज भी खुले हैं, पीएमबी कॉलेज भी खुले हैं, यहाँ के छात्रों को बहुत बढ़िया सुविधा मिली है। इनके जमाने में छात्राएं कम से कम 20-20 किलोमीटर पैदल चल करके जाया करती थी, आज यहाँ कम से कम 2-3 डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश में यहाँ पे अपने हाथरस जनपद में मिले हैं, वो सब भाजपा की देन है। और जगह जगह मोदी जी ने कम से कम 115 योजना अपने हाथरस में लाभान्वित है, महिलाओं के लिए सिलेंडर मिला है, सारी चीजें उज्ज्वला योजना के तहत मिला है, सारी चीजें मिली है, लेकिन मित्र का तो आरोप लगाने का काम है, तो आरोप लगाएंगे। हाथरस की जनता से पूछता हूँ, हाँ सर, अभी अभी हमारे
भाजपा के मित्र ने कहा कि मोदी जी का विश्व में डंका बजा, जरा जाके फ्रांस में देखिए आपकी इंडियन करेंसी बदली नहीं जाती, बदली नहीं जा रही। और आपके सांसदों की पोल खोल रहा हूँ, एक मिनट, 1992 में लाल बहादुर रावल आए थे यहाँ से, जीत के गए थे एमपी, वो लौट के नहीं आए। हाथरस में विकास हुआ, विकास हुआ, विकास तो ये हो रहा है, बता तो रहे हैं, एम्स खुल गए, मेडिकल खुल गए, हाईवे बना है, हाईवे बना है, कोई हाईवे बना है, हाईवे कोई आज का बना है, जो वो बनाए यमुना एक्सप्रेस वे तो कांग्रेस के जमाने। हाथरस की, हाथरस की रोड कैसी है? कुछ भी रोड नहीं, गंदी रोड है सारी। कैसी सरकार चाहते हैं आप, कैसा सांसद चाहते हैं आप? ऐसा सांसद चाहते हैं जो काम कराए। क्या काम कराए? मतलब हाथरस को कुछ और अलग ही बनाए। इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। मेरा सवाल बीजेपी वालों से है, अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला आया है, आयात भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, उसमें एक कंपनी है जिसने 250 करोड़ रुपए चंदा दिया है, जो मीट काट के व्यापार करती है, इस पर भाजपा क्या सफाई देगी? जी जी, भारतीय जनता पार्टी के मित्र आप जवाब देंगे। सारी की सारी पारदर्शिता से काम चल रहा है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर भी एक कमेटी गठित कर दी गई है, पूरा इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हिसाब स्टेट बैंक ने दे दिया है, चारों तरफ से अपना पूरा सब साफ साफ है। अब आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाते रहेंगे, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक नरेंद्र मोदी जी ने एक आरोप लगाया है कांग्रेस पे कि कर्नाटक में 4% रिजर्वेशन SC ST से मोहम्मदन मुसलमानों को दिया जाएगा। आप पहले जनता जो पूछ रही है ना, आप मीडिया हैं, और सुनिए सुनिए, आप नहीं देंगे, रुकिए पंडित, देंगे इसका जवाब भी देंगे, लेकिन भारत में जो साहित्यकार और पत्रकार देश को आईना दिखाने का काम करते हैं, मोदी मीडिया मत बनिए, मोदी प्रश्न करने दीजिए जनता को, जनता के प्रश्न का जवाब भाजपा दे, इन पर जवाब नहीं बन रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने SBI पर जो फटकार लगाई है, उन बॉन्डों के घोटाले पर ये भाजपा बोले, आज 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 बाबा रामदेव को कितनी करारी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने दी है, क्या भाजपा कार्रवाई नहीं करती है? कहां ईडी, कहां CBI, कहां इनकम टैक्स? केवल कार्रवाई उन पे होती है जो देश में लोकतंत्र पर काम करना चाहते हैं। ये इनकी फैक्ट्री वो फैक्ट्री है कि इस फैक्ट्री में डालो और वो फ्रेश हो जाएगा, बोले भ्रष्टाचार पे। ये पहले तो रामदेव भाजपा के है नहीं है, वो तो अपने पंथी चली चिकित्सालय चला रहे हैं। आप पहले तो अपने दिमाग में ये सुधार कीजिए अपने में। और दूसरी बात ये है, दूसरी बात सुन लो, तुमने देश को पूरे को तुमने गुलाम बनाने की कोशिश की है, 60 साल में तुमने देश को गुलाम बनाने की और झगेला है। अरे अंग्रेज क्या, तुम अंग्रेज के भी पिताश्री, तुम अंग्रेज के भी पिताश्री, तुम अंग्रेज के पिताश्री निकले, तुम अंग्रेज के पिताश्री निकले। अरे सावरकर अंग्रेजों को चिट्ठियों माफी दे रहे थे, किस देश की कोई चिट्ठी लिख के नहीं दे रहा, लोकतंत्र नहीं है ये, वो देशद्रोह लोग है। देशद्रोह यदि कोई है तो RSS और भाजपा के लोग है, जिन्होंने देश की आजादी में ये लिख कर दिया कि इसकी देश की आजादी से मेरा कोई सरोकार नहीं है, ये वो लोग है। जोश गर्मा गर्म बहस का आगे बढ़ चुका है, इसलिए अब कुछ जनता से सवाल लेंगे, जनता से सवाल लेंगे। जी जी, जनता सवाल। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, ये दो भाजपा वाले बैठे हैं, इन पर इलेक्ट्रोल, छोटे भाई ने मेरे ने पूछा इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, इन पर जवाब नहीं दिया गया। इनके सांसदों ने यदि हाथरस का विकास कराया होता तो 3 बार से इनको सांसद क्यों बदलना पड़ रहा है बार बार, मुझे उसका जवाब दें। यदि इनका सांसद ने विकास कराया है, इनका सांसद शहर शहर गांव गांव घूमा है, तो इनको सांसद प्रत्याशी क्यों बदलना पड़ रहा है? ये भारतीय झूठा पार्टी है, ये देश को खत्म करने वाली पार्टी है, गद्दार पार्टी। जी जी, अब आदरणीय नेताजी, मैं पत्रकार बंधुओं, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जब से हाथरस की संसदीय सीट बनी है, जब से क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन इसलिए दिया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही जगह विकास करा सकती है। सबसे ज्यादा जो समस्या यहां पे हमारे यहां तालाब चौराही की थी, वह जाम लग जाया करता था। हमारे इससे पिछले वाले सांसद राजीव दिवाकर जी ने पूरा पुल बना करके रख दिया, वह जनता को निजात दिलाई जाम से, और भी इस पूरा काम भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर रहे हैं। लेकिन रही बात बदलने की, ये अपना संसदीय बोर्ड का मामला है, ये वहां से हमें जो चुन करके भेजते हैं हम उसको लड़ाने का काम करते हैं। केवल और केवल सत्यता यह है,
कि आज यदि विकास किया होता, आज मैं श्रद्धांजलि देता हूं आदरणीय राजवीर दिलेर जी को, आज उनको हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। पूरा हाथरस गमगीन है क्योंकि वो हमारे सांसद थे, लेकिन अचंभा और अफसोस है कि हाथरस की जनता उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकती, उसके लिए भी उनको अलीगढ़ जाना पड़ेगा, उनको अलीगढ़ जाना पड़ेगा। आज बड़ा दुख का विषय है, हम चाहते, हमारे दिल में वेदना है कि हम अपने सांसद के पार्थिव शरीर पर दो पुष्प चढ़ाएं, लेकिन हम वो भी नहीं चढ़ा सकते क्योंकि वो अलीगढ़ में रहते हैं। ऐसे इनके सांसद रहे, मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता, हमारे बीच नहीं है, लेकिन सत्यता यह है कि जो टिकट बदली गई है ना, आज उनका परिवार बोल रहा है कि उनका हत्यारा कौन। अब आपको जवाब खुद जनता बताएगी कि आज वर्तमान सांसद का हत्यारा उनकी अपनी पार्टी है। यदि भारतीय जनता पार्टी को अपना सांसद ही बार बार बदलना है, इसका मतलब यह जनता नकार रही है। सांसद बार बार कोई पार्टी अपना बदले तो क्या जनता उसको नकार रही? सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं बदला गया, चेहरे बदले गए। जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को चुना और हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ रही। और रही बात वहां जाने की, आदरणीय बंधु जो जिससे बात करता है वहां जाता है। इस समय बहस गर्मा गर्म हो चुकी है, गर्मा गर्म हो चुकी है। मैं कुछ जनता के जवाब ले लेता हूँ जी। कैसा सांसद चाहिए? जसवीर सिंह वाल्मीकि। कैसा सांसद होना चाहिए? पढ़ाई और शिक्षा पे वो जोर देने वाला चाहिए हमें सांसद। पढ़ा लिखा चाहिए? कैसा सांसद होना चाहिए? बढ़िया हो जी, विकास कार्य कराए। क्या यहाँ हाथरस में विकास हुआ है? हाँ विकास हुआ है। मोदी जी की सरकार अच्छी रही है? फसलास इनका जलेसर रोड बन गया। मेरे भाई अभी कह रहे थे, मेरे भाई अभी भाजपा के साथ ही कह रहे थे कि पाकिस्तान को देश को बेच देंगे। भाई साहब पाकिस्तान की औकात नहीं है आलू खरीदने की, वो इंडिया को क्या खरीदेगा। दूसरी बात, वही कांग्रेस पार्टी है, मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं हूँ और न कोई उनका सदस्य हूँ, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी है जिसने संसद में हमले करने वाले अफजल गुरु को फांसी चढ़ाई थी। और ये नरेंद्र मोदी जो बात कर रहे थे कि हम उसको दाऊद इब्राहिम को पकड़ के फांसी चढ़ाएंगे, भाई साहब ये तो उसको बिरयानी खिलाने पाकिस्तान चले गए थे बिना पूछे। भारतीय जनता पार्टी जवाब दे, किसी आतंकवादी को छुड़वाने के लिए अगर रात को 2:30 बजे कोर्ट खुली है तो समझ लो सिर्फ ये कांग्रेस के शासन में खुली है। अगर फांसी देने का काम किया है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है। अगर आतंकवादियों को दूर भगाने का काम किया है तो देश की सेना ने काम किया है। मैं देश की सेना को नमन करता हूँ और अपने प्रधानमंत्री को नमन करता हूँ कि इस तरह की सेना, सशक्त सेना हिंदुस्तान की है जो पूरे कहीं की नहीं है देश की। केवल और केवल ये झूठ का पुलंदा के अलावा कुछ नहीं है। एक सिर के बदले 10 सिर लाने का वायदा किसने किया? आज तक पुलवामा घटना का पर्दाफाश क्यों नहीं हुआ? आज पूरा देश पूछ रहा है कि हमारे उन सैनिकों पर क्या, आखिर उन सैनिकों का हत्यारा कौन है? आज तक उसकी जांच नहीं हुई है, ये बताएं कि आज तक पुलवामा घटना का पर्दाफाश। और यदि हिम्मत है भाजपा में तो गांधी परिवार को जेल भेजकर देखें कि इन्होंने पूरा प्रयास किया। माननीय सोनिया गांधी, माननीय राहुल गांधी घंटों ईडी और सीबीआई के समक्ष बिठाया गया लेकिन कोई साक्षी नहीं मिला। और यदि कहीं भ्रष्टाचार में कोई लिप्त होता तो ये वो लोग हैं कि जो आरोप लगते थे, जिन पर ये आरोप लगाया करते थे, वो आज भाजपा में चले जाते तो आरोप मुक्त हो जाते हैं। ये केवल और केवल झूठ और फरेब की पार्टी है, ये केवल देश में तानाशाह माहौल पैदा करना चाहते हैं। ये कहते हैं झूठ फरेब की पार्टी है, तुम्हारे ही बड़े बड़े लीडर भाजपा में आ रहे हैं और ये झूठ फरेब की नहीं, हाँ भ्रष्टाचारी है, सिंधिया जी भ्रष्टाचारी है। मैं आपसे पूछा, गुलाम नबी आजाद भ्रष्टाचारी है? अरे भ्रष्टाचारी तो आप है। और सुन लो, गांधी जी को भी, तुम्हारे गांधी परिवार को भी जेल जाना पड़ेगा। ये अभी सम्मान करती है, सम्मान सही, ये भी जेल जाएंगे। इन्होंने गलत किया है, मुकदमा विचाराधीन है, ये भी जेल जाएंगे। इन पर भी मुकदमा चल रहा है बोफोर्स का, ये भी जेल जाने से इनको भी नहीं रोक पाएगा कोई। भारत का कानून से चलता है भारत। ये उस पार्टी के असभ्य लोग हैं जहाँ सभ्यता के ना शिष्टाचार। ये कह रहे गांधी परिवार तुम्हारा, ये वो गांधी परिवार के बारे में कह रहे हैं, वो इंदिरा गांधी जिसने एक रात में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, ये वो इंदिरा गांधी जिसके खून का एक एक कतरा इस भारत की माटी में मिला है, वो राजीव गांधी जिन्होंने युवाओं के लिए 18 साल में मतदान देने का अधिकार दिया, वो राजीव गांधी जिन्होंने आज कंप्यूटर क्रांति के जनक, वो राजीव गांधी, ये उस गांधी परिवार को मेरा बता रहे। अरे वो गांधी
कोई परिवार इस देश का है, ये बताएं इतिहास में कि इनके भाजपा के किसी नेता का रक्त इस भारत की माटी में मिला हो, ये बता कर दें, ये बतावें। जी उदय, राष्ट्रीय उदय पार्टी, राष्ट्रीय उदय पार्टी में बोल रहा हूँ, सुनिए, आप सुनिए मेरी बात, इन समस्याओं का समाधान आपका हो जाएगा, इन समस्याओं का समाधान आपका हो जाएगा, मैं आपके बीच में रहूंगा, आपके विकास की बात करूंगा, आपके उद्धार की बात करूंगा, अगर संसद में जाऊंगा आप लोग चुनेंगे तो मैं पटेल बजाने का काम करूंगा, आपकी आवाज को उठाने का काम करूंगा संसद में, समस्या खत्म हो जाएगी कि आपका संसद बीच में रहता है, मैं सड़क पर रहने वाला आदमी हूँ, सड़क पर सोने वाला आदमी हूँ, गली में चलने वाला आदमी हूँ, मैं आप लोगों का सभी के साथ हूँ, मैं जब भी कोई समस्या हो मुझे फोन करना, मैं आपके साथ हूँ। हमारे साथ नए मेहमान है, परिचय ब्रजमोहन राही एडवोकेट समाजवादी पार्टी से, पूर्व प्रत्याशी। आरोप प्रताप, आप आए उससे पहले बहुत सारे आरोप लगे हैं आपके गठबंधन के ऊपर, के एक बहुत बड़ा आरोप लगाया हुआ है इस समय नरेंद्र मोदी जी ने कि आप लोग जो है मंगल सूत्र और संपत्ति जो है वो लेके और अल्पसंख्यक समाज को बांट देंगे। 2014 में सोने का रेट 28,000 था, आज 73,000 है, तो सोना क्यों इतना महंगा क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर सारा पैसा बांट दिया और चंदा के रूप में ले लिया, इसलिए महंगाई है। ये एक ही चीज पर महंगाई है, बताइए, जब एक दवाई एक गोली 125 रुपए की आती थी, आज वो 485 रुपए की आ रही है, एक गोली आ रही है, तो कौन हुआ चोर? सीधा सीधा स्पष्ट है कि चोर तो अलग दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर, महिलाओं के नाम पर। और रही बात मंगल सूत्र की, तो मंगल सूत्र इन्होंने उस समय उतरवा लिए थे जब कोरोना आया था, कोरोना के समय पर लोगों से उतरवा लिया था, कुछ नहीं छोड़ा था, नंगे पैर भगाया था दिल्ली से, इन्हीं दिल्ली वालों ने। जी जी, आज मेरे मित्र जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 4 जून को मेरे ये जनपद की सम्मानित जनता, जिस समय 4 जून को भाजपा का सांसद चुन के भेजेगी, सबके मुंह पे अलीगढ़ वाला ताला लग जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा। मेरे मित्रों, सबसे ज्यादा अगर एयर स्ट्राइक करके भारत का सम्मान बनाया तो आदरणीय मोदी जी ने बनाया, आदरणीय एनडीए की सरकार ने बनाया। आज अगर कोई काम यहाँ शहर शहर में दिख रहा है तो आदरणीय मोदी जी द्वारा दिख रहा है, एनडीए की सरकार के द्वारा दिख रहा है, लंबे लंबे हाईवे अगर बने हैं तो आदरणीय मोदी जी एनडीए की सरकार में दिख रहे हैं। कांड हुआ आज तक 400 किलो कहाँ से आया, आरडीएस पता नहीं चला, जांच में कहाँ गया, आज तक नहीं आया। और रही बात हाथरस की, मैं हाथरस की देवतुल्य जनता से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, इन झूठे भगोड़े को भगाने का काम करें, क्योंकि हम लोग बिना मांगे वोट दे रहे हैं, और हमारा प्रत्याशी घर घर जाकर के इनको हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिड़गिड़ा करके वोट मांग रहा है, क्योंकि वो आपके बीच में रहेगा, इसलिए गठबंधन को जिताने का काम करें। सभी हाथरस की जनता से मेरा निवेदन है, हाथरस में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, थोड़ा सा जनता से पूछा जाए। कोई विकास नहीं, विकास नहीं हुआ। मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या यहाँ पे विकास हुआ, विकास के बारे में क्या बात है? आदरणीय महोदय, ये विकास की बात आप जिस समय 4 जून को अपने वहां पर दिखाएंगे अपने चैनल पे कि हाँ भाजपा का सांसद आतरक से जीत रहा है, उस समय आपको महसूस होगा, उस समय तक आपको ये, उस समय तक पूरी 4 जून को भारतीय, अरे मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम, ये तुष्टिकरण की, ये राय जी तुष्टिकरण की नीति तो आप लोग ही चला रहे हैं, अरे हम दुखी नहीं, तुम दुखी हो। एक एक लोग कृपया बोले, इस भारतीय जनता पार्टी को न हिंदू खतरे में है, न मुस्लिम खतरे में है, जब इनकी सरकार खतरे में होती है तब इनको धर्म दिखाई देता है, तब हिंदू मुस्लिम करते हैं, तब मुस्लिम हिंदू करते हैं ये लोग, जब इनकी सरकार खतरे में होती है तब हिंदू मुस्लिम करते हैं, उससे पहले नहीं, ना कोई धर्म दिखाई नहीं देता है। जी, लोग नारे लगा रहे हैं हाथरस की जनता, ये नारे लगा रहे हैं, लेकिन ये हाथरस की जनता नहीं, ये प्रायोजित लोग बैठे हुए हैं यहाँ, इन लोगों के ये दोनों जो बबुआ घूम रहे हैं इस प्रदेश में अपनी जोड़ी बना के, उसका जवाब हाथरस की जनता देने को बिल्कुल तैयार है। एक मिनट, अरे सर, जनता नहीं है, ये जनता नहीं है, ये जनता नहीं है। मैं इनको एक बात पूछना चाहता हूँ, एक हमारा टिड्डी वाला लड़ रहा है कोई बच्चा, और उसको ब्राह्मण समाज के लोग चुनाव लड़ा रहे थे, इतना घबरा गए उससे, उसको जिला बदल करा दिया एक ब्राह्मण को,
और सबसे ज्यादा भाजपा ने अगर हत्या कराई है तो ब्राह्मणों की हुई है इस प्रदेश में, सबसे ज्यादा भाजपा ने। हमारे यहाँ कोई जातिवादी नहीं है, हमारे यहाँ सब एक राय से देखे जाते हैं, पूरा कानून एक तरह से देख रहा है सबको, यहाँ कोई ना ब्राह्मण है, सब लोग एक हैं, भारतीय हैं, सबका सम्मान है, कानून सबका काम कर रहा है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जातिवाद, एक मिनट जवाब, जातिवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद, ये इन्हीं की देन है। हमारे यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये देखिए। मैं आपको आज 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 इस डिबेट का, आज इस डिबेट में भी देख लीजिए कि मंच पर यदि एक एक पार्टी के लोग खड़े तो भाजपा के दो खड़े हैं और इन दो पर भी जवाब नहीं। आप भी दो है, आप भी दो है, गठबंधन है, गठबंधन, इंडिया गठबंधन, ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, इसके बावजूद ये जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि सत्य आपका गठबंधन था, इसलिए सत्यता ये है, नहीं सत्यता ये है कि विकास के नाम पर ये वो हाथरस है जहाँ नया मिल, पुराना मिल, रानी मिल लगा कांग्रेस के टाइम में, उन पर उनमें फैक्ट्री जाया, ट्रेन जाया करती थी। जनता पूछना चाह रही है, जनता पूछना चाह रही है, पूछे पूछे। माननीय पत्रकार महोदय, अभी अभी हमारे बीजेपी के भाई कह रहे थे पाकिस्तान में इनसे, हेलो राय जी, ए राय जी शांत हो जा, ये मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, आप पाकिस्तान की ओर क्यों करते, आप चाइना और अमेरिका की ओर क्यों नहीं करते, आज आज तुम विकसित देशों में 11वें स्थान पे हो, चौथे से 11 से और 35 हाथरस का जो मुख्य मुद्दा है, हाथरस का जो मुख्य मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, जिस पर 10 साल में मोदी जी की तरफ से, सांसद की तरफ से, विधायक की तरफ से, और सुनिए सांसद भी बाहरी, विधायक भी बाहरी, इस बार ये पाकिस्तान से लाएंगे, इस बार तो खैर से लेके आए, आरोप लग रहा है कि सारे लोग बाहरी है। इसी के साथ इस समय TV24 की टीम हाथरस से विदा लेती है और एक गर्मा गर्म बहस देखी, और ये 7 तारीख को इस समय वोटिंग होगी यहाँ पे और सारे प्रत्याशियों का भाग्य जो है 7 तारीख को वो बंद हो जाएगा। इसी के साथ TV24 हाथरस से विदा लेती है, धन्यवाद।